हमारे चैनल रूबी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रूबी क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने नुस्खा लेकर आई हूँ वो मोटापे को कम करने का तरीके है। उस तरीके में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है स्पेशल ग्रीन टी। ये ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपका जो है मोटापा बहुत जल्द दूर हो जाएगा। बॉडी में मौजूद जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, चर्बी है, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये जो है ग्रीन टी, ये कहवा कैसे काम करेगा इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। फ्रेंड्स, फैट्स क्यों बॉडी में बढ़ती हैं? उसकी वजह ये होती है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार में ऑयली चीज़ें खा रहे हैं या ऐसी फैट जो जिस्म के अंदर हमारा चर्बी को बढ़ाती हैं वो चीज़ें खा रहे हैं, तो उनको खाने के बाद उनको रिड्यूस नहीं करते, उनको डिसॉल्व नहीं करते, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और गर्मियों में तो अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करें और जिम जाएं या इस तरह हो तो वो स्वेटिंग से ही पसीना आता है, तो उससे भी ये बर्न होती हैं, फैट्स बर्न होती हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खाने पीने की कंट्रोल भी इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अपने पानी का इनटेक, पानी लेना कम कम कर देते हैं। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप दूसरी चीज़ों को में एहतियात कर सकें जो जिस्म में फैट्स बढ़ाती हैं। दूसरा, एक्सरसाइज के लिए हमारे पास इतनी बिजी रूटीन में टाइम नहीं मिलता कि हम प्रॉपर जिम इस्तेमाल कर जिम जाएँ और वक्त दें उसको। तो घर में भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी एक रूटीन नहीं बनती है, तो एटलीस्ट वॉक ज़रूर करें, ठीक है। आधा घंटा 15 मिनट से स्टार्ट करें और फिर से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, लेकिन वॉक करें, ठीक है, अपने घर की छत पे या घर के बाहर कहीं पे भी। तो ये जो ग्रीन टी है ये अगर आप साथ साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। और इस ग्रीन टी को मैं स्पेशल ग्रीन टी क्यों कह रही हूँ? वेट रिडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें खासियत है कि कलमंजी इस्तेमाल हो रही है जो वज़न कम करने में बहुत मुफीद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मौत के सिवा हर बीमारी की का इलाज कलमंजी में है, तो ये शिफा देती है। और दूसरा, इसमें दारचीनी इस्तेमाल होगी। दारचीनी जो है जो बॉडी के अंदर हमारी वेन्स हैं, शरियाने हैं, इनके अंदर जो चिकनाई जमा हो जाती है उसको निकालने में मदद करती है। और इसी तरह हमारी जब वो चिकनाई ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है और खून के अंदर शुगर बढ़ता है, तो ये इन सबको कम करती है। तो ये तरीक़ेकार अभी आपके सामने आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसका बाकायदा इस्तेमाल आपको बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट्स देगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।